आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड मसाला पाव। और ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं शिखा, मेरे चैनल शिखा रेसिपी में आपका स्वागत है। मसाला पाव बनाने के लिए हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहें तो पूरे तेल या पूरा बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। दोनों को 1 मिनट के लिए पकाएंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और इसे भी हम प्याज के साथ पकाएंगे। ये जो मसाला हम बना रहे हैं ये 6 से 7 पाव के लिए सफिशेंट है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच इसमें पाव भाजी मसाला पाउडर डालेंगे। इसे ज़रूर डालें, असली टेस्ट इसी से आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने के बाद अब इसमें हम मिक्स करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने 2 प्याज लिए हैं तो हमें टमाटर इससे डबल लेने, मतलब 2 प्याज लिए हैं तो 4 टमाटर लेने हैं। इसमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है और टमाटर अच्छे लाल और जूसी हो तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब साथ में ही इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जल्दी से पक जाए। 3 से 4 मिनट में टमाटर थोड़े से गल चुके हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं होता है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। अब इसे कवर करके हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में टमाटर काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं, इसे हम अच्छे से पाव भाजी मेशर से और मेश कर लेंगे। अगर आपके पास पाव भाजी मेशर नहीं है तो आप स्पून या स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। तो यह हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये मुंबई की बहुत ही फेमस रेसिपी है और यहाँ के लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। थोड़ा सा इसमें बटर और डालेंगे, स्ट्रीट फूड है तो बटर थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए, हमारा मसाला तो रेडी है, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ मैंने 6 पाव लिए हैं, तो सबसे पहले हम पाव को बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप पाव काटें आप नाइफ़ को पानी से गीला कर लीजिए, तो इससे आपके पाव काटते वक्त बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। तो यहाँ हमने पाव कट करके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ एक पैन या तवा लेंगे, इसमें हम बटर लगाएंगे। बटर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम पाव भाजी मसाला डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब इसमें हम पाव को सेकेंगे। पाव में मैंने थोड़ा सा बटर लगाया हुआ है, तो इन्हें दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में तो आप पूछे ही मत, बहुत ही मज़ेदार है। तो दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे और अब इस पर हम मसाला अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। साथ ही इस पर बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो इस पर आप चीज़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पाव दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, तो इन्हें बंद करके हम इनके ऊपर से भी मसाला लगाएंगे। तो ये हमारे मुंबई स्टाइल मज़ेदार मसाला पाव बनकर एकदम तैयार है। इन्हें हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे और ऊपर से हम इन पे बारीक सेव, जिसे हम नायलोन सेव भी कहते हैं, वो डालेंगे। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी। ये रियली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। शाम की छोटी छोटी भूख के लिए आप इसे तुरंत बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।